टू टीयर केक, वो भी बिल्कुल बेकरी वाली, आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा। 1 kg के अंदर ही ये टू टीयर केक बन करके रेडी होगा। सो वेलकम बैक टू माई चैनल। इसकी क्रम कोटिंग कैसे करनी है टू टीयर में, अभी रिसेंटली ही मैंने वीडियो शेयर किया है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक के ऊपर एक जो केक है रखना है, और उसके बाद इसे अच्छे से सिक्योर करना है। या तो आप बड़ा वाला जो टूथपिक होता है वो ले लें, या फिर स्ट्रॉ होती है वो ले सकते हैं और बीच में प्लेस कर दें। इससे क्या होगा, आपस में जो दोनों लेयर है वो अटैच हो जाएगा, काफ़ी अच्छा स्टेबिलिटी आता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर करें जब भी आप हाइटेड केक बना रहे हो या फिर टीयर वाले केक बना रहे हो। तो यहाँ पे ये जो केक का ऑर्डर है मैंने जस्ट फ्लड के कुछ दिन बाद ही पूरा किया था, तो मेरे पास क्रीम भी काफ़ी कम थी एंड चॉकलेट डार्क कंपाउंड भी काफ़ी कम था। तो मैं जितने भी केक्स के ऑर्डर लेती थी सारा कुछ मैं मिनिमम क्रीम के साथ, जितना मिनिमम हो सकता है उसमें क्वांटिटी या जो भी मटेरियल है जितना मिनिमम मैं लगा सकती हूँ ना उतना ही करती थी। और कस्टमर को भी मैंने बोल रखा था एंड कस्टमर्स यहाँ पे जानते थे कि फ्लड आने के बाद से जो भी मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो कुछ भी डेकोरेशन करना, बहुत ही सुंदर सुंदर से फ्लावर्स ये सब टाइप के डेकोरेशन मैं नहीं कर पाऊँगी। बट हाँ, जिसका ऑर्डर रहता था कि मैं बना दूँ तो मैं ज़रूर बना देती थी, पर लेस क्रीम के साथ। तो ये वही समझिए आपकी लेस क्रीम वाला केक का ऑर्डर है। तो अगर आपके पास कम क्रीम भी बच रहे हैं या कम क्रीम में आप डेकोरेशन करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा क्रीम नहीं पसंद है, तो आप इस तरीके से ब्लैक फॉरेस्ट केक की डेकोरेशन आराम से कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे गनाश बनाया, उसे पाइपिंग बैग में पोर कर दी एंड ड्रिप्स डाल दी, जैसे कि नॉर्मली ड्रिपिंग्स होते हैं सारे केक्स में। साइड्स में केक कॉम चला दी हूँ जिससे फिनिशिंग मुझे बहुत ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। कम क्रीम में ही जितना फिनिशिंग आया उससे मैं केक कॉम्ब लगा दी। और उसके बाद यहाँ पर स्टार नोजल ली हूँ जिसे हल्का सा ट्विस्ट करते हुए बहुत छोटा छोटा सा मैं ड्रॉप वाला फ्लावर्स बना रही हूँ। छोटे छोटे ड्रॉप वाले फ्लावर्स अगर आप बनाइएगा ना तो आपका क्रीम काफ़ी कम लगेगा, रैदर देन स्वर्ल या फिर जैसे बड़े बड़े बेकरीज के केक्स में होते हैं बड़े बड़े से डिज़ाइन स्वर्ल बनाए हुए रहते हैं, ट्विस्टेड करके रहते हैं। तो आप जितना नोजल छोटा लीजिए एंड उसे आपस में सटा करके स्ट्रिप से डिज़ाइन बना दीजिए। यहाँ पे चेरी क्रश को मैं ग्राइंड करके पाइपिंग बैग में फिल कर ली हूँ एंड ऊपर से ड्रॉप ड्रॉप दे रही हूँ, क्योंकि चेरीज़ भी नहीं थे मेरे पास तो इतने सारे चेरीज़ मैं लगा नहीं पाती एंड ब्लैक फॉरेस्ट केक का लुक भी दे दी। सिंपल सा केक मैंने कस्टमर को बोला था, और देखिए मेरा सिंपल सा केक बन करके रेडी हो गया है टू टीयर में। तो कैसा लग रहा है आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा। पसंद आई होगी वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू आए हैं तो डेली न्यू केक डिज़ाइन देखने के लिए, कुछ न्यू टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए केक रिगार्डिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दूसरा केक भी कस्टमर का ही था, एक केक सिस्टर ने अपने भाई को गिफ्ट दिया था एंड दूसरा मम्मी पापा की तरफ से था। तो देखा ना इतने कम क्रीम में मैंने कैसे केक डेकोरेट कर लिया। तो मैं चली अब बाकी के केक्स डेकोरेट करने। तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो क्या करना है, लाइक, और ये वाली केक डेकोरेशन पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके एक कमेंट से मुझे ढेर सारी मोटिवेशन मिलती है। सो मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।